पिछले 50 सालों से रावण के वजूद को जिंदा रखे हुए है ये परिवार। फतेहाबाद जिले में इस बार 9 स्थानों पर दहन होंगे रावण के पुतले। इस बार 60 से 65 फुट के तैयार किए गए हैं रावण के पुतले। 30,000 रुपए की लागत से तैयार हुआ है एक रावण का पुतला। बुराई पर अच्छाई के जीत का पर्व दशहरा इस बार फतेहाबाद में धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बता दें कि एक ही परिवार के सदस्य पिछले 50 सालों से फतेहाबाद में व इसके आसपास के इलाकों में रावण तैयार कर रहा है और रावण के वजूद को जिंदा रखे हुए है। फतेहाबाद में इस बार 9 स्थानों पर रावण दहन होगा। रावण बनाने वाले कारीगर जसवीर से इस संबंध में जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि उनका परिवार पिछले 50 सालों से रावण बनाने का काम करता है और हर वर्ष उन्हीं के द्वारा दशहरे पर्व पर रावण बनाए जाते हैं। जसवीर ने बताया कि महंगाई की मार के चलते जो रावण बनाने पर खर्च 15,000 से 20,000 रुपए का खर्च आता था, वो अब बढ़कर 30,000 से 40,000 रुपए हो चुका है और उनकी मेहनत सहित 3 पुतले करीब 1.5 लाख रुपए में तैयार करके वे दशहरा कमेटी को सौंपे जाते हैं। इस वर्ष फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो उनके द्वारा 9 रावण के पुतले तैयार किए गए हैं जो जाखल मंडी, भूनाखंड गांव, भिंडराना गांव, लाली, फतेहाबाद व अन्य आसपास के गांव में दहन होने के लिए जाएंगे। अंजी, कितने सालों से आप बना रहे हैं जी? ये 50 साल से काम है जी हमारा जी। 50 साल से। पहले शुरुआत किसने की थी? ये हमारे दादाजी ने की थी। क्या नाम था जी? श्रीया जूरा राम जी। तो अब कितनी जगहों का आपके पास पुतले बनाने का? 9 जगह का टेंडर है जी मेरे पास। जैसे कि कहते जाखल हो गया, भुना हो गया, टवाना हो गया, और कहते इधर लाली हो गया, और कहते भिड़ाना हो गया, एमपी रोई हो गया, और 2-3 अदर हो गए जी। अच्छा, यानी कि 9 एक साथ? 9 है जी। तो कितना महीने लगा है जी इसमें? मेरे को 1 महीना हो गया जी पूरा काम कर। 1 महीने लगे हुए? 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने से लगातार लगे? लगातार लगे हुए। तो क्या खास बात है जी इसमें जो आपने बताई थी 2-3 में? इसमें जी खास बात ये है कि एक तो ऊपर से छतरी है जो वो छतरी घूमेगी जी, और एक इसके मुंह से आग निकलेगी। मुंह से आग निकलेगी। ये कौन लाइटिंग की गई है जी? ये कौन से जगह पे? ये भुना का है और जाखल का जी। जाखल जी। तो आप कितने साल से बना रहे हैं जी? मेरे को 10 साल हो गए जी। 10? और कहते हैं दादाजी बनाए गए, फिर ताऊ जी, फिर कहते हैं उसके बाद मैं आ गए 10 साल। तो कितने सदस्य जुड़े हुए हैं जी? मेरे साथ कम से कम 15 लोगों की टीम काम करते हैं। 15 लोगों की टीम। तो कैसा महसूस होगा जब ये लास्ट के दिन दशहरे पे जब जलेगा? ये जलेगा जी, महसूस तो अंदर से तो वो दुख होता है जी, बट क्या करें, हमारा काम है जी, हमारे को ये वो करना पड़ेगा जी। तो ये कैसे वहाँ तक ले जाएंगे जी मैदान तक? ये कहते जी बड़े व्हीकल में जाएंगे, सभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जैसे कोई 22 फुटी होगी, कोई 24 फुटी होगी, कोई ट्राला होगी, उनमें ले जाएंगे सभी। तो लगातार ये पूरा ये कमरा आपने स्पेशल पुतलों के लिए किराए पे लिया जी? पूरा इसी काम के लिए हमने, इसी पर्पज के लिए ले रहे। तो हर साल आप ही बनाते हैं? हाँ जी, हर साल। कह रहे हमारे को, कह रहे अलग अलग जगह से ऑर्डर आते हैं, जैसे ऑर्डर आने शुरू होते हैं हम काम करना। लागत कितनी है जी? लागत जी इसमें लगी जाते हैं जी, एक पुतला अगर 50 फुट का तैयार कराए तो 20 से 25 हजार रुपए लागत लग जाती है। 20 से 25 हजार रुपए। और इससे ज्यादा फुट का करवाएं तो? इससे ज्यादा फुट का फिर वो कह रहे हैं, अगर कह रहे हाइट के अकॉर्डिंग लगता है जी, हाइट के अकॉर्डिंग खर्चा बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या नाम है जी? मेरा नाम जसवीर चौहान है। कहाँ कहाँ रहते हो? मैं भुना मोड़ पे रहता हूँ जी, फतेहाबाद ऑटो मार्केट जी। फतेहाबाद? हाँ जी, फतेहाबाद में। ठीक है।